सो हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। और मुझे पता है भाई, इस वीडियो का इंतजार बहुत सारे लोगों का था। इस वीडियो को आने में यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, आई नो, और ये वीडियो लेट भी हो गया है। वैसे मैं इस वीडियो को यार 500 के स्पेशल में बनाने वाला था, लेकिन भाई थोड़ा बहुत कुछ रीजन था भाई, क्योंकि घर वर्क बिल्कुल भी सेटअप नहीं हुआ था। अभी बस पीओपी हुई है, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, तो वो तो यार धीरे धीरे होगा। फिलहाल मैं आप लोगों को भाई छोटी सी झलक देने वाला हूँ अपनी रियल लाइफ की। आई होप यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए चलते हैं थोड़े से उस व्लॉग की तरफ। वैसे यार व्लॉग नहीं कह सकते क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग करनी आती नहीं है, ना मेरे पास कोई डिवाइस है व्लॉगिंग वगैरह के लिए। मोबाइल से जो बन सकता था मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। सेटअप की शुरुआत होती है हमारे वेबकैम से, जो कि भाई मैं यूज़ करता हूँ मेन चैनल पे नहीं, लेकिन दूसरे चैनल पे यूज़ करता हूँ। उसके बाद आता है कीबोर्ड जो कि जैबरोनिक का है, और यहाँ पे लॉजिटेक का माउस है जो अभी फिलहाल मैंने नया मंगवाया। और ये मेरा माइक है भाई, मेरा ड्रीम माइक जिसपे मैंने लॉजिटेक माउस का कवर चढ़ाया हुआ है, क्योंकि भाई इस पे धूल चिपक जाती है इसके पॉप फिल्टर पे और ये गंदा हो जाता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए मैंने इसको यूज किया हुआ है भाई, मतलब जुगाड़ है लेकिन बहुत काम आता है भाई। और यहाँ पे मेरे हेडफोन है, ये मेरी एक स्क्रीन है, ये मेरी मेन स्क्रीन है जो कि लिनोवो की है। फिलहाल गाइस ये मेरा कुछ सेटअप है। और यहाँ पे भाई मेरा आता है यूपीएस जो कि एपीसी का है, और ये मेरा कैबिनेट है। कुछ ज्यादा खास नहीं है भाई इसमें, मतलब इसीलिए थोड़ा पीछे रखा हुआ है और वायरों को थोड़ा इग्नोर करना भाई, मैं वायर मैनेजमेंट में कुछ ज्यादा खास नहीं हूँ। और मेरी ये टेबल और कुर्सी जिसके भाई हाथ रखने के जो है ही नहीं, मतलब मैंने निकाल दिया, बार बार उनमें केबल अटकती थी और वो टूट भी गए थे भाई। ये है मेरा गेमिंग ड्रीम सेटअप। और इसमें एक और चीज जुड़ गई है, यानी कि ये भाई मेरी लाइफ में मेरी डॉटर। तो भाई ये बहुत ज्यादा परेशान करती है यार, बहुत शैतान है, बड़ी होती जा रही है भाई, अब और भी ज्यादा शैतान होती जा रही है। और भाई मेरा आधा दिन एडिटिंग के बाद यहीं पर ही गुजरता है भाई इसको संभालने। ये मेरा मोबाइल है भाई जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी Xiaomi का X2। सस्ता सा मोबाइल है लेकिन भाई हाँ काम बहुत अच्छा करता है बड़े बड़े मोबाइलों जैसा। होम टूर की बात करें तो भाई ये बेड है जहाँ पे मैं सोता हूँ, और उसके अलावा भाई ये ट्यूबलाइट है, टेढ़ा ये सामान क्यों है, जो कि मतलब टेढ़ी है भाई। और ये दूसरी ट्यूबलाइट है, टेढ़ा ये भी टेढ़ी है भाई। और छत पे तो भाई अभी कुछ काम नहीं हुआ है क्योंकि भाई अभी घर पे काम चल ही नहीं रहा है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपनी छत पे, यानी कि अपने टेरेस पे। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो आप, ये गार्डन मैंने बनाया हुआ है क्योंकि मेरे को गार्डनिंग बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहता था, लेकिन भाई छत की भी अपनी लिमिट होती है, तो भाई यही लिमिट थी। मेरा आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने का मन करता है यार, मतलब मैं भी अपनी लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से और भी अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहता हूँ। मैं जब भी अपने 4x4 सन्नी वाले चैनल पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना माइनक्राफ्ट की, तो वहां पे यार इतना ज्यादा चैट आ जाता है ना कि यार मैं अच्छे से बॉन्डिंग बना ही नहीं पाता। मतलब मैं सबके चैट तो पढ़ लेता हूँ लेकिन उनके नाम पढ़ना भूल जाता हूँ यार, और याद भी नहीं रह पाते कई बार क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं। वैसे यार मैं अपने डॉटर के साथ बहुत ही कम टाइम निकाल पाता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मेरा एडिटिंग में रिकॉर्डिंग में निकल जाता है, उसके बाद ये सो जाती है, फिर मैं भी खाना खा के सो जाता हूँ। लेकिन किसी ने सही कहा है भाई, जो आपकी पहली बेटी होती है ना वो पापा की कार्बन कॉपी होती है। आपको क्या क्या लगता है, क्या देबू मेरे पे गई है यानी कि देवांशी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। वैसे तो व्लॉग अपने एंडिंग पे आ गया है, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को माइनक्राफ्ट के कुछ प्रो प्लेयर और कुछ नूब से मिलवाने वाला हूँ भाई। मिलिए गाइज, ये है ओनली वन। सच में गाइज ये वही नूब है जो मेरे साथ भाई मरता रहता है माइनक्राफ्ट में। वैसे इसको नूब कहने का मुझे ही हकदार है भाई, और कोई नहीं बोलेगा क्योंकि ये मेरा दोस्त है और मैं इसको प्यार से बोलता हूँ, ठीक है। बाकी ये प्रो बहुत है। वो जो पीछे खड़े हुए देख रहे हैं ना, वो है हमारे रिस्पेक्टेड ब्लैक ब्लू गेमिंग सर। बहुत शाई टाइप है लेकिन भाई बहुत ही दिल के अच्छे हैं। एंड हाँ, इग्नोर दिस गाय, गजब बेइज्जती है। तो असल में भाई हुआ क्या था, हम मिले कैसे थे, तो भाई ओनली वन को बनवाना था अपना कंप्यूटर, हम गए थे नेहरू प्लेस जिसमें मैं था, ब्लैक क्लू गेमिंग सर थे और ओनली वन था, और उसका फ्रेंड था जो कि रेड टी शर्ट में है। सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे थे भाई नेहरू प्लेस से, अब मुझे भी कुछ खरीदना था, तो भाई मेरे को कच्चे दिखे रस्ते में, वो मैंने ले लिए भाई। अच्छे भाई, कितने का है भाई? बाय बाय बाय, चलो भाई बाय। हाँ चलते चलो भाई गाइस, हम भी निकलते हैं। आपको लग रहा होगा कि भाई हम इस ब्लैक कलर की गाड़ी में गए, नहीं भाई हम भी 11 नंबर की बस पकड़ के आए थे, यानी कि पैदल, और हम भी मेट्रो से घर वापस गए। अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते यूट्यूब से भाई कि गाड़ी खरीद ले। Why you cry? तो भाई कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग, मतलब ये वीडियो यार,
क्योंकि व्लॉग तो नहीं कहेंगे भाई, मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों का इंतजार कर रहा है भाई, कमेंट में भर दो जितना जो कुछ भी बोलना चाहते हो। और जल्दी ही Q&A वीडियो भी आने वाला है, तो भाई अपने अपने क्वेश्चन आंसर इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे रियल लाइफ से रिलेटेड भाई कुछ करना चाहते हो इस वीडियो में मत करना, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपको अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर मैं उनके आंसर्स दूंगा एक अगली वीडियो में। एंड यार जिन भी लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो भाई जाके, वहां पे भी मैं थोड़े बहुत अपडेट्स डालता रहता हूँ अपने रियल लाइफ के। एंड यार क्या मैं एक प्रोफेशनल व्लॉगर बन सकता हूँ, क्योंकि यार अगर आप लोगों के लिए वीडियो डालने पड़ेंगे व्लॉगिंग के तो भाई मेरे को चीजें भी खरीदनी पड़ेंगी। अगर मुझे इस वीडियो पे थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता तो डेफिनेटली मैं व्लॉग्स भी डालूंगा यार। तो लाइक एम रखते हैं 20K लाइक्स का, एंड मुझे पता है भाई आप लोग करवा दोगे, और 20K लाइक्स होते भाई अगले व्लॉग्स की मैं तैयारी करनी शुरू कर दूंगा और जल्द से जल्द डाल दूंगा भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।